দুর্গাপুর থেকে অপহরণের অভিযোগ। অভিযোগ সাদা রঙের একটি ইনোভা গাড়িতে করে পোস্ট অফিসের কর্মীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা যায়। খবর ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চলে যায়। খবর পাওয়া মাত্রই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানা ফাঁড়ির অন্তর্গত নাকা পয়েন্টে শুরু হয় নাকা তল্লাশি পুলিশের। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানায় ঢোকার আগে কন্যাপুর ফাঁড়ির পুলিশ গাড়িটিকে আটকায়। জানা যায় গাড়িটি ইউপি নম্বরের এবং ইউপি পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের পক্ষ থেকে বক্তব্য যে ইউপি পুলিশের টিম এসেছিল তাদের কাছে অভিযোগ নিয়ে, তাদের বক্তব্য তাদের কেসে ওয়ান্টেড রয়েছে, তাদের পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল, আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, যা প্রসেসে আছে আমরা সেই প্রসেসে এগোব। পশ্চিম বর্ধমান থেকে কাজল মিত্রের রিপোর্ট, নিউজ সমাজ হিতৈষী। मॉर्निंग में जैसे मैं ड्यूटी टाइम निकला तो इन लोगों ने मेरे को किडनैप किया। ये लोग तीन चार लोग थे, छुप रहे थे। तो जैसे मेरा बाइक में तो देख के आदमी को स्लो कर दिया, तो स्लो चाबी फुसका के इन लोगों ने मेरे को किडनैप करके ये मारने लगे। तो मैंने बोला कौन हो आप, किस वजह से मेरे को ये मार रहे हो। मैं सोच रहा था हो सकता है कोई दिमाग से पागल हो। एक बंदा आया पहले मारने के लिए, फिर वो तीन चार को लोगों ने पकड़ के गाड़ी में ठूस दिया। मेरे को ड्यूटी भी नहीं जाने दिया मेरे को। जैसे नाम बोला, नाम बोलो। मेरा नाम मक्खनलाल मीना है। आगरा में चोरी को वारदात को चोरी की वारदात करी है, जिसमें इन्होंने चोरी करी है, एक आदमी को लूटा है फटी पुलिस वालों का। इसके सिलसिले में हमें सूचना मिली थी कि यह दुबका आपके यहाँ पर दुबका बैठा है और हम इसको देखकर संबंधित थाने में ले गया। तो अभी क्या हुआ, अभी हम इसे यहीं पे संबंधित थाने में आगे अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो क्या माने कोई गलती था आपको अरेस्ट करने में, या कुछ सिस्टम का बाहर थे आप लोग अचानक आके उठा लिए? नहीं नहीं, ये भागने की फराक में था और इस वजह से इसको लेकर हम सीधा कहना में संबंधित थाने में आए। तो बंगाल पुलिस को खबर आप लोग नहीं दिए थे? नहीं, बंगाल पुलिस को खबर कर दी है। नहीं, वो जब आप लोग आए थे, नहीं जब तक अगर हम खबर कर दिए शायद ये फरार हो जाता। इसके संबंध में हम इसे लेकर सीधा संबंधित थाने में बंगाल पुलिस को खबर कर दिए हैं। तो अभी कहाँ ले जाएंगे इनको? अभी जो भी प्रोसेसिंग होती, सब प्रोसेसिंग के होने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है इनके ऊपर? इनके ऊपर लूट, चोरी, इन सब के ऊपर में दर्ज है। ये कहाँ पे? यूपी? यूपी में। आप लोग यूपी से आ रहे हैं? यूपी से। तो एक चीज़ है कि जो आप लोगों का ड्रेस है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, आदमी को देख के कैसे पता चलेगा कि आप पुलिस है या कुछ है या कोई कार्ड? ड्रेस कोड देख के, ड्रेस कोड करने का एक रीज़न था कि जिसकी वजह से कभी ये ड्रेस कोड देख के वापस भग जाए, क्योंकि ये यूपी पुलिस से ही भग रहा है बहुत दिन। सिर्फ ये एक रीज़न था कि हमने ड्रेस कोड नहीं पकड़ा और इसके बाद हम इसको क्या थाने पर लेके आए हैं इसको, जिससे हम पूरी इन्फॉर्मेशन बता सकें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर कौन थाना से है? आगरा से। आगरा धोना क्या? এটা আমরা জানাজানি হওয়ার পর আমরা দ্রুত কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গায় নাকা তল্লাশি শুরু করতে বলি, এবং খুবই দ্রুত আমাদের যেহেতু নাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছিলো, সেই জন্য এখানে কন্যাপুর চেকপোস্টে ওকে অ্যাপ্রিহেন্ড করা গেছে। কিন্তু দেখা গেছে যে ওটা ইউপি থেকে একটা পুলিশের টিম এসছে একটা এফআইআর নিয়ে, এবং ওদের বক্তব্য যে ওদের কেসে ওয়ান্টেড আছে। তো আমরা এখন একে নিয়ে আমরা সব ইউপি থেকে যে টিম এসছে পুলিশে, আপাতত দেখা যাচ্ছে ওরা পুলিশ অফিসার, কিন্তু ওদের পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল। তো আমরা নিয়ে যাচ্ছি ফিরিয়ে, এরপরে আমরা যা প্রসেস আছে সেই প্রসেসে আমরা এগোব। এটা বলা যেতে পারে আমাদের তরফ থেকে এত দ্রুত এই সিস্টেমটা আমরা চালু করতে পারায় আমরা আপাতত আমরা ওদেরকে এখানে আটকে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি, না হলে আরও সময় লেগে যেত পুরো ব্যাপারটা জানাতে। মানে আসানসোল পুলিশের ব্যাপক নাকা চেকিংয়ে এটা সাকসেস হয়েছে।